सामाजिक कार्यात आपला ठसा उमटविणारे समीर पठाण यांच्या समाजाप्रती केलेल्या कार्याची दखल घेत शिवसेनेच्या वतीने समीर पठाण यांची शिवसेना वाहतूक सेना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. समीर पठाण यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर समाजातील सर्व स्तरातून त्यांना शुभेच्छा देण्यात येत आहे. समीर पठाण यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल नाशिक द्वारका येथील बजरंगवाडी हॅपी होम कॉलनी येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत त्यांचा सत्कार करण्यात आला. फटाक्यांच्या आतेशबाजीत यावेळी समीर पठाण यांचे स्वागत करण्यात आले. दिगंबर मोगरे इम्तियाज शेख यांनी सर्वांच्या वतीने शाल पुष्पगुच्छ देत समीर पठाण यांचा सत्कार केला. या प्रसंगी उपस्थित मंचावरील अतिथींचा देखील शाल पुष्प देत सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित मान्यवरांनी आपल्या मनोगतातून समीर पठाण यांच्या कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या. समीरभाई पठाण इनकी महाराष्ट्र शिव वाहतूक सेना के उपाध्यक्ष पद की जो नियुक्ति हुई है, सबसे पहले मैं उनकी बधाई देना चाहता हूँ. ये जलसे का प्रोग्राम जो हुआ है शेरा ग्रुप और आधार ग्रुप की जानिब से, और इन्होंने हमें खास मेहमान बोल के बुलाया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पे, ये ना ही कोई नेता के लिए हुई है, बल्कि एक ऐसे शख्स के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पे, जो यहाँ बैठा हुआ बच्चा है ना, उसको कंधे से कंधा मिलाना जानता है. ऐसा शख्स है ये कि जिसको बच्चा बच्चा जानता है, मतलब हर मुसीबत में साथ देने वाला, चाहे वो मुसीबत कैसी भी हो, बस ये भीड़ उसी मोहब्बत की खातिर जमा हुई है. समीर भाई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं. अमजद भाई, अज्जू भाई, मुन्ना भाई, ये लोग आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते भाई, मैं इस बात का गवाह है. शुरुआत है, दिल से बोलता हूं, जो भी बोलता हूं दिल से बोलता हूं, ना राजकारणी भाषण करता हूं. मैं आपके लिए दिल से दुआ करूंगा कि आप बुलंदी तक पहुंचे. ये तो आपकी राजकारण की शुरुआत है. आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन जाए, ये हमारे दिल से दुआ है. और हमारे भाइयों की जो मुसीबत मुश्किलात है, रोजी रोजगार के जो प्रश्न है, उसको आप निपटाए. और जो आपने ये लाइन चुनी है, मैं बहुत खुश हूं. ये जो लाइन है, जो राजकारण की लाइन है, ये कलम की लाइन है, ये कलम की लड़ाई रहती है ये. और ये लड़ाई जो आपने चुनी है, इससे अच्छे अच्छे मसले हल हो सकते हैं. और ये तो एक छोटे मोहल्ले का प्रोग्राम ये लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और मुझे पता है समीर भाई कि आपके लिए, नासिक के लिए जितने भी युवक है, शायद ही 60% युवक है जो आपसे मोहब्बत करते और आपके पीछे है. और कुछ आने वाले दिनों में ये लोग देखेंगे कि समीर भाई क्या चीज है. बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ रॉकहिल कंपनी की तरफ से. महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष पद लाना सबका काम नहीं है, आसान काम नहीं है. आपने बहुत बड़ा काम किया है और हमारे को आपसे बहुत उम्मीद है कि जो वाहतूक के प्रॉब्लम होते वो आप सॉल्व करेंगे,
और ऐसे भी आप हर नौजवान को और हर दोस्त को आप मदद करते और ये जो कार्यक्रम आयोजक किए आधार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष मुन्ना भाई और सेरा ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष अज्जू भाई अमजद पठान इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक शेर बोल के खत्म करता हूँ कि इन्हें एक का एक लाख लोग बता दिए अमजद भाई ने अज्जू भाई ने और मुन्ना भाई ने हयात लेके चलो कायनात लेके चलो चलो तो चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो मैं तो अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बढ़ता गया। सत्कार समारंभास उत्तर देताना समीर पठाण यांनी सर्वांचे आभार मानत सदैव अडचणी सोडविण्यास तत्पर असून पाठीशी असल्याचे सांगितले। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबके लिए मैं रात दिन खड़ा रहूंगा, इतना मैं सबको आश्वासन देता हूँ। बस जय जय माता। कार्यक्रमाचे आयोजन अमजद पठाण, मुन्ना शेख, अज्जू शेख, जुबेर हाजमी यांच्याकडून करण्यात आले होते। कार्यक्रमाप्रसंगी ज्येष्ठ नागरिक भास्करराव पठारे, इम्तियाज शेख, राजभाऊ वागले, ॲडव्होकेट गीते, निलेश जठार, नितीन लासुरे, बब्बूभाऊ पठार, फरीद भाई, भगवान काकोळकर, वसीम शेख, अमजद पठाण, शकील सिद्दीकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रईस शेख, रफीक हाजी, निलेश जठार, मंगेश ठाकूर, दिगंबर मोगरे, अल्ताफ पठाण यांचं नागरिकही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।